हाँ, तो क्लास सुना है किसी ने? क्लास क्या होता है? क्लास ऑब्जेक्ट सुने होंगे, ऊप्स कंसेप्ट पढ़े होंगे तो सुना है किसी ने? क्लास कोई है उम्मीदवार जिसने सुना हो? क्लास नहीं सुना किसी ने? क्लास हाँ बताओ बताओ क्या होता है क्लास? ऊप्स कंसेप्ट पढ़े होंगे, क्लास ऑब्जेक्ट सुना होगा। सर, ऑब्जेक्ट के थ्रू हाँ हम क्लास को कॉल करते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू है ना सर, रियल रियल लाइफ पे काम करते हैं सब चीज़ें, ठीक है, एम्प्लॉयज नेम्स वगैरह सब जो भी हम सर, करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास सर ब्लूप्रिंट होती है सर, ठीक ऑब्जेक्ट बिहेवियर। ठीक है, सही कहा आप लोगों ने। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। जैसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको जल्दी समझ में आ जाता है, कि जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आपको एक मोबाइल लेना या कार लेनी है या बाइक लेनी है या टीवी लेनी है या फ्रिज लेना है, जो भी आपको एक्स वाई आइटम लेना है, ठीक है। तो आप मार्केट में जाते हो, सामने वाले से क्या कहते हो, और आप बाइक लेने गए तो आप गए, वो आपसे बोलेगा हाँ सर बताइए। आप उससे कहते हो बाइक दिखाओ, वो बोलेगा सर कौन सी बाइक देखना पसंद करेंगे आप। आप बोलते हो अरे बाइक दिखाओ, आप बोलते हो, वो बोलेगा सर कौन सी बाइक दिखाएं आप बताओ। आप बोलते हो अरे बाइक दिखाओ ना, तो बोलेगा सर हमारे पास तो कई सारी बाइक हैं, टीवीएस की है, होंडा की है, उसकी की है, बहुत सारी बाइक हैं सर, आप बताइए ना। तो आप मेरे कह रहे हो बाइक दिखाओ बाइक दिखाओ, अब वो कह रहा है कि सर जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आपको कैसे दिखा दूं बाइक, क्यों? सब लोग होता है ना, नहीं होता हमारे साथ में ऐसा? अब आप मोबाइल की शॉप पे सर चले जाओ, सामने वाला आपसे पूछता है, नहीं पूछता है कि आपको क्या चाहिए सर बताइए। आप एक कपड़े की दुकान पे गए, अब वो कपड़े वाला पैंट शर्ट भी बेच रहा है, दूल्हे के कपड़े बेच रहा है, सब बेच रहा है। अब आप बताओ कि आपको दिखा, आप उससे बोले कपड़े दिखाओ भाई, वही क्या क्या दिखा दे आपको, फिर तो उस कपड़े बारे में कैसे समझाएगा वो, है ना। अब जब आप उससे कहोगे कि हमें टीवीएस की बाइक चाहिए, फिर वो क्या करता है, आपके पास आपको लेके जाता है टीवीएस बाइक के पास, दिखाएगा सर ये देखिए टीवीएस का सर नया मॉडल, सर इसका इंजन इतना सीसी, सर इसमें आगे ये लाइट है, सर इसमें ये है, सर इसकी टंकी ये है, सर इसके टायर ये हैं, फलाना ढिकाना समझाता है। ऐसे आप उसे बोलते हो कि मुझे रियलमी का मोबाइल दिखाओ या आईफोन दिखाओ, फिर आपको वो आईफोन की फीचर सुनाना चालू कर देता है कि नहीं है। या आप कुछ भी लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, बोलोगे सैमसंग की टीवी दिखाओ, तो आपको बस सैमसंग की टीवी के बारे में बताएगा कि सर देखिए इसमें ये है, इसमें ये है, फलाना ढिकाना ढूंढा, है कि नहीं। और जब तक आप उससे ये नहीं बोलोगे सामने वाले से कि आपको क्या देखना है, तब तक वो आपको कहीं दिखा पाएगा? बताओ। अब मेडिकल दुकान पे चले जाओ, आप उससे बोलो दवाई चाहिए सर दवाई दे दो, बोले काहे की दवाई दे दूं, आप बोलो दवाई दे दो, आप बोलते हैं ना कि सर जुकाम की दवाई दे दो, इसकी दे दो, तब वो देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कॉल किया, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट कॉल किया तो उससे क्या कॉल हो जाता है हमारा, क्लास। जो क्लास होती है ना, क्लास का कुछ भी नाम रख लो, MI, रियलमी, सैमसंग, है ना, TVS, क्लास होगी। अब किसी क्लास को कॉल करना है आपको, तो वो विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि टीवीएस की बाइक दिखाओ, आपने ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, और फिर उस टीवीएस बाइक के अंदर जो जो फीचर है और जो 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 फीचर हम आपको दिखाता है, ऐसी टीवीएस एक क्लास होगी, उस क्लास के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उसके मेथड होते हैं, वो फिर हम उनको यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सिंपल सा ये, और अभी आपको सामने दिखाता हूँ, तो सिंपल बनाओ ये क्लास टीवीएस नाम से। लास्ट टॉपिक आज हमारा ये है, आज के बाद हमारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, तो कोई भी बंदा गलती से क्लास मिस नहीं करना आगे सब, है ना। तो क्लास हमने बनाई एक टीवीएस नाम की, सिंपल सी क्लास बना रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दो नाम, ऐसे नाम लिख दो, नेम 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 डाल दो कुछ भी, टीवीएस का नेम इक्वल, ऑब्जेक्ट नहीं है, इक्वल नेम, इक्वल इक्वल आएगा ना, इक्वल कुछ भी नाम डाल दो, टीवीएस बाइक बहुत सारी होती है ना, कुछ ही नाम डाल दो, अपाचे नाम डाल दिया ना। चलो और नीचे आ जाओ, और कुछ डाल दो उसके बारे में, प्राइस डाल दो प्राइस, ये इसकी क्या है प्रॉपर्टी है, सिंपल प्राइस इक्वल कुछ डाल दो, 1 2 3 जो तुम डालना हो, बहुत सारी चीज डाल सकते हो, ये क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल है, कुछ भी डाल दो जो। अब देखो, अब तुम एक शोरूम पे गए, है ना,
अब जब तक आप उसको बताओगे नहीं तब तक वो कैसे, एक क्लास और कॉपी कर देना नीचे, एक और कॉपी कर लो क्लास, ये पूरा कॉपी कर देना और नीचे पेस्ट कर दो यहाँ, और यहाँ कर दो स्विच की, कर दो टीवीएस की बल्दी स्विच की कर लो, स्विच की होती है ना कोई भी कर लो, हीरो होंडा कर लो, बजाज कर लो, जो मन हो बजाज में डाल दो बाइक का नाम, कोई और बाइक का नाम डाल दो कुछ भी, प्लेटिना डाल दो। बस ठीक। ऐसी बहुत सारी क्लास बन सकती हैं सिंपल, है ना। अब उसके पास ऐसी कई टीवीएस है, बजाज है, ऐसी खूब सारी हैं। अब जब तक आप सामने वाले से नहीं बोलोगे, आपको बताओ कैसे बता देगा वो उसके बारे में, तो बता पाएगा वो, है ना। जब आपसे उससे बोलोगे कि भैया हमें टीवीएस की बाइक चाहिए, है ना, तो अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट कॉल किया। लाइन नंबर 6 पे आओ, यहाँ पे लिखो सिंपल न्यू, ऐसे लिखो न्यू स्पेस देके टीवीएस। अब देखो जिस नाम से क्लास होती है ना उसी नाम से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का साइन लगा दो, उसी नाम से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नहीं फंक्शन का साइन आएगा, ब्रैकेट से आएगा, फंक्शन का साइन आता है, ठीक है, फंक्शन का साइन आता है। तो जिस नाम से आपकी क्लास होती है उसी नाम से बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अब पता कैसे चलता है ये ऑब्जेक्ट है, तो जो लिखा है ना न्यू कीवर्ड, लिखा है न्यू, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आपने जैसी ऑब्जेक्ट कॉल किया लाइन नंबर 6 से, वो कहाँ गया होगा, ऊपर गया एक में, एक से उसके अंदर गया, नेम प्राइज और सीसी, ये तीनों चीजें किसके पास आ गई होंगी लौट के, किसके पास आ गई, ऑब्जेक्ट के पास आ गई, है ना, आ जाएंगी ना। जब हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो क्लास के पास जो भी कुछ होगा वो इस ऑब्जेक्ट के पास आ गया, टीबीएस के पास लाइन नंबर 6 पे। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, आगे लगाना न्यू के आगे वेरिएबल कॉन्स्टेंट या लेट, न्यू के आगे लगा दो लेट इक्वल डेटा, आगे न्यू के आगे, न्यू के आगे, न्यू के आगे, पीछे नहीं आगे बोला मैंने, न्यू के आगे एन के आगे लेट इक्वल डेटा और स्पेस दे दो, और थोड़ा नीचे आ जाओ टीवीएस से ले एंटर देकर नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे खिसका दो उसको दूसरे वाले को, क्योंकि उसने अभी हमसे टीवीएस का बोला है ना कि हमें टीवीएस की बाइक दिखाओ, तो उसने ऐसे ही बोला टीवीएस की बाइक दिखाओ, तो ऑब्जेक्ट कॉल हुआ न्यू, जो ऑब्जेक्ट है टीवीएस क्लास के अंदर गया, उसने देखा क्या क्या है, नए में प्राय सीसी है, अब वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सामने वाला दुकानदार क्या करता है, वो आपको बताता है कि सर देखिए टीवीएस की जो बाइक है अपाचे, ठीक है। अब कैसे बताएगा लिखो यहाँ पे, अब वो कैसे बताएगा सामने, लिखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर लिखो डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट नेम, जैसे आपने कहा कि टीवीएस की बाइक दिखा दो, तो आपने ऑब्जेक्ट कॉल किया लाइन नंबर 6 को, वो लाइन नंबर 1 पे गया क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर जो भी कुछ था वो ऑब्जेक्ट के पास आ गया, और जो ऑब्जेक्ट के पास आया उसको हमने डेटा में रख लिया, और फिर वो आपको बता रहा है कि हमारे पास टीवीएस की अपाचे बाइक है, सेव करो इसको और रन करो जाके टर्मिनल पे, सेव करो फाइल को टर्मिनल पे रन करो, नोट नोट बोन चला लो चाहे कुछ चला लो, देखो आ गया नाम आ गया, देखो नहीं सब लोग, उसने कहा कि हमारे पास टीबीएस की अपाची बाइक है, और चला दो एक और कर लेना कंसोल, कंसोल एक कर देना, इसी कॉपी कर दो दो बार, और उसका प्राइस है इतना और उसका इंजन है इतना, सीसी कर लो, सीसी सेव कर लो, और नोट बोन चालू करो, नोट बोन नोट बोन नोट बोन चलाओ, नोट बोन से नोट बोन, नोट बोन MON स्पेस दे के फाइल का नाम क्लास एंटर दे दो, चल गया। देखो उसने कहा कि अब अपाचे बाइक है मेरे पास टीवीएस की, है ना, उसका प्राइस इतना है और उसका इंजन इतना है, दिख रहा है आप लोगों को, वे सिंपल क्या है, एक क्लास, और क्लास के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाए हम क्लास को किससे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट से, और उस क्लास के अंदर क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसने, अब एक बंदा आया, एक बंदा और आया, उसने क्या है हमें बाइक दिखाओ, फिर वही क्वेश्चन पूछा उससे गया कि भाई कौन सी बाइक देखना चाहते हो, उसने बोला कि हमें बजाज की बाइक देखनी है, तो नीचे आ जाओ, तो
उसने क्या बोला कि हमें बजाज की बाइक देखनी है, तो कॉल कर देना सेम ऊपर वाली ढाई को पेस्ट नीचे कर दो, ऊपर ढाल लो 3 लाइन है 4 लाइन है, ये 4 6 7 8 9 ढालो और नीचे पेस्ट कर लो। अब उसने कहा कि हमें बजाज की चाहिए बाइक, यहाँ पे कर देना बजाज डेटा चेंज बजाज लिख दो, बजाज आएगा, बजाज क्लास का नाम आएगा ना बस, और डेटा बंद कर लो, वन डेटा बंद, डेटा बंद कर दो ठीक है उसमें, और उसमें बंद लगा दो नीचे, इन सब में डेटा बंद लगा दो ठीक है, बस सेव कर लो, लो आ गया ठीक है। दो हमारी शॉप पे कस्टमर आए, एक ने कहा कि हमें टीवीएस की बाइक चाहिए, एक ने कहा हमें अपाचे वो बजाज की चाहिए, तो दोनों को हमने बता दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं अपनों को, बोलो आना तो यस बोलो, सर सिंपल समझ आया ना, चलो नोट पहले तो नोट करो फिर समझाता हूँ क्लास को, क्योंकि तो हमारा सारा काम क्लास के अंदर ही होगा, इनको तो नोट करा देना ऊपर से, हमारा सारा काम जो मंडे से होगा ना सारा खेल क्लास के अंदर ही चलने वाला है। नोट हो जाए बता देना, हो गया सर। बाकी लोगों का यस सर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें ना, तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया क्लास क्या होती है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है ना, और ऊपर चलो अब देखो क्लास के अंदर मेथड भी होते हैं, कंस्ट्रक्टर भी होते हैं और स्टैटिक मेथड भी होते हैं, ये 3 पॉइंट और समझते हैं ठीक है। तो चलो एक एक क्लास इसी में समझते हैं, बजाज वाले ऊपर वाले बंद कर लो, ये क्लास बंद कर लो वाले, कोई भी कमेंट कर दो पूरा, हाँ पूरा कमेंट कर लो, पता पूरे बंद कर लो। अब देखो आओ नीचे, अब मैंने क्लास बनाई, एक मेथड बनाया, मेथड मतलब समझते हो फंक्शन ही होता है, मेथड एक तरह क्या होता है फंक्शन होता है। अब किसी ने हमसे पूछा यार कि ये बताओ मेथड, एक मेथड बनाया हमने, एक फंक्शन बनाया क्लास के अंदर, हमें क्लास के अंदर कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, मगर यहाँ पे क्लास के अंदर उसको मेथड बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक मेथड बोलते हैं क्लास के अंदर। तो मैंने एक मेथड बना दिया इस क्लास के अंदर, सिंपल लिख दो यहाँ पे मेथड का नाम रख दो ITM, सिंपल लिख दो मैं ऐसे रख दो, हाँ ITM, फंक्शन का साइन लगा दो, फंक्शन का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो बाहर उसके, और कंसोल डॉट लॉग कर लो, लिख दो उसमें हेलो ITM, कंसोल डॉट लॉग और हेलो ITM। अब नीचे वाले 26 27 28 इसको कमेंट कर दो, ठाकुर ये हटा दो उनकी अब जरूरत नहीं है, 26 27 28। हाँ अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि सर ये मेथड कहाँ है, तो क्लास फंक्शन एक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, फंक्शन पढ़े थे ना, ये एक फंक्शन जी है ना। जरूर, अब फंक्शन को आप लोग डायरेक्ट कॉल करते थे पहले, याद होगा हम लोग फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते थे, अब आप सोचो कि यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं ITM और कॉल हो जाए, तो नहीं कॉल होगा ना, क्योंकि अब ये फंक्शन एक क्लास के अंदर है, ये फंक्शन किसके अंदर बना हुआ है, एक क्लास के अंदर दिख रहा है ना, अब एक क्लास के अंदर है, तो क्या करना होगा इस फंक्शन को हमें किससे कॉल करना होगा, क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। और पहले क्या होता था, हम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते थे, मगर अब ये क्लास के अंदर बना है तो ये मेथड हो जाता है, क्या हो जाता है मेथड, क्योंकि तो अब ये किससे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना उससे कॉल होगा। तो नीचे लिखो डेटा डॉट ITM, डेटा डॉट ITM। अच्छा सिंपल एक काम करो, सिंपल लिखो, सिंपल लिखो कंसोल डॉट, लिखो कंसोल डॉट लॉग, सिंपल लिखो कंसोल डॉट लॉग, अभी कंसोल डॉट लॉग में लिखो डेटा,
देखो कुछ दिखाता है वो, डेटा वन चेक करना ना, सेव करके, सेव करो डेटा वन, देखो डेटा वन सेव करो, देखो दिख रहा है, देखो डेटा वन में क्या क्या आ रहा है नीचे, देखो टर्मिनल में दिख रहा है आप लोगों को, डेटा वन वन के अंदर क्लास है बजाज नाम की, उसके अंदर प्रॉपर्टी है नेम प्राइस, दिख रहा है आप लोगों को सबको, जी सर, बाकी लोगों को दिख यस रहा सर। है ना? अब फंक्शन कैसे दिखेगा, जब आप उसको कॉल कर पाओगे तब, है ना? तो नीचे आओ, लाइन नंबर 29 के नीचे आ जाओ, डेटा डॉट आईटीएम, डेटा डॉट आईटीएम नीचे आ जाओ, वो कंसोल नहीं आया, कंसोल अब नहीं आएगा, कंसोल अब नहीं आया, कंसोल ऊपर चल रहा है ना, कंसोल कुछ नहीं आएगा, कंसोल तो उसके अंदर वैसी हो, डेटा डॉट आईटीएम और फंक्शन का साइन लगा दो, फंक्शन का साइन, और लाइन नंबर 29 को बंद कर लो बस, ठीक है? आप चेक सेव कर लो, बोले क्या आ गया, हेलो आईटीएम, दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, अब ये किससे कॉल हुआ, फंक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, मेथड। तो हम एक क्लास के अंदर कई सारे प्रॉपर्टी और कई सारे मेथड बना सकते हैं, एक मेथड बनाओ, इसी कॉपी कर दो, सेम MITS कर दो, नीचे पेस्ट कर दो, MITS कर दो, है ना, हेलो MITS कर दो, ठीक है, नीचे आ जाओ और कॉल कर लो उसको भी, दिख रहा है ना, हम एक साथ एक क्लास के अंदर कई सारे मेथड बना सकते हैं, सेव करके चेक कर लो, चल गया, दिख रहा है? तो ये अभी क्या थे, एक सिंपल, अब देखो ये मेथड कैसे है, ये मेथड वो है जो क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, होते नहीं होते हैं? आपको दिख रहा होगा क्लास के ऑब्जेक्ट से इन मेथड को कॉल कर पाते हैं। अब एक होता है कंस्ट्रक्टर, वो देखते हैं वो क्या के वो कैसे कॉल होता है, आओ लिखो लाइन नंबर 26 के नीचे से, कंस्ट्रक्टर सिंपल लिखो, कंस्ट्रक्टर वो आ गया अपने आप, फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो और लिखो उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में हेलो कंस्ट्रक्टर। अब देखो ये भी एक तरह का मेथड है ना, तो ये देखते हैं कि इसको हमें नीचे कॉल करना पड़ेगा कि ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, सबने पढ़ा होगा सुना होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, है ना, सेव करो, देखो कॉल हो गया, देखो नीचे, देखो सबसे ऊपर कॉल हुआ, देखो दिख रहा है, दिख रहा है आपको, हेलो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ। यस सर। अब बताओ सबसे पहले कॉल क्यों हुआ, बताएगा फिर हेलो आईटीएम फिर हेलो MITS, बताओ लिखा हो सबसे नीचे है। और देखो हमने कंस्ट्रक्टर को नीचे से नीचे कहीं कॉल भी नहीं किया है, नीचे दिखाओ उनको, हमने उसको कहीं कॉल नहीं किया, देखो नीचे देखो कहीं लिखा हमने डेटा एडवाइन डॉट कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा, कंस्ट्रक्टर एक मैजिक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होते हैं अपने आप, इनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो और सबसे पहले देखो कॉल हो गया वो सबसे पहले कॉल क्यों हुआ जानते हो, बताओ क्यों, ट्राई करना क्यों कॉल हुआ सबसे पहले, इसी कोड में चेंजेस करोगे आपको अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये था कंस्ट्रक्टर, दिख रहा है कॉल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं, एक चीज पहले इतना नोट करो, मैं समझाता हूं, पहले इतना नोट करो, हेलो हाँ जी, नोट हो यस सर। गया अरे बाकी लोगों का, कंस्ट्रक्टर वाला सबसे ऊपर क्यों आ रहा है सर? थोड़ा ट्राई करना, गूगल सर्च करना, ऐसा समय क्या हो रहा है, छोटा सर सा छोटा सा अपना समझ आ जाएगा, पांडे जी ये तो जी छोटा मेहनत सा, करो थोड़ी। हाँ अभी आ जाएगा, कोड में सब है। चलो अब आते हैं, देखो अब पॉइंट समझो, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इतना सबका नोट हो गया ना, तो अब मैं क्या चाहता हूँ यस यार, सर। कि जो 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 फंक्शन हमारा है ना आईटीएम, मैं इसके अंदर जो क्लास की प्रॉपर्टी है उसको यूज करना चाहता हूँ, ऊपर खिसकाना, थोड़ा खिसकाना, तो जो ये फंक्शन है ना, जो क्लास है, क्लास क्लास की जो प्रॉपर्टी है नेम प्राइस सीसी, मैं इसको आईटीएम के अंदर यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आईटीएम लिखा ना यहाँ पे, मैं नेम को यूज, जैसे मैं लिखूँ, लिखो कॉमा लगा, कॉमा लाइन नंबर 21 के बाद कॉमा लगाना,
हाँ डबल कोट के बाद कॉमा, डबल कोट के बाद कॉमा लगाओ, कंसोल्ट लिखा ना, हाँ अंदर ही, अंदर ही, आईटीएम के बाद डबल कोट के बाद कॉमा, कॉमा नेम लिख दो नेम ऐसे। हाँ अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं आईटीएम फंक्शन को कॉल करूँ, मेथड आईटीएम, तो उसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, हेलो आईटीएम, और रिटर्न आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। सेव करो, सेव करो, देखो एरर दे गया। अब एरर क्या दे गया, एरर पढ़ाओ उनको, एरर क्या दे रहा, देखो ऊपर 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 ले चलो थोड़ा एरर में। हाँ क्या कह रहा, नेम इज नॉट डिफाइंड, दिख रहा है ना सबको, नेम इज नॉट, ऐसा क्यों मना कर रहा है भाई कि नेम तो डिफाइंड है ही नहीं, है ना। तो अब यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जब हमें क्लास की जो प्रॉपर्टी है ना, इनको यूज करना है किसी मेथड के अंदर, ठीक है, मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हमें लगाना पड़ता है दिस कीवर्ड को। अब लगाना उसके आगे दिस डॉट नेम, देखते हैं दिस डॉट नेम, ठीक है। जब किसी क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हो किसी मेथड के अंदर, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड। अब चेक करो, अब नीचे आओ, नीचे इसमें आओ, नीचे एरर में देखो चल गया, देख क्या आ गया, हेलो आईटीएम और प्लेटिनम, ऐसे एमआईटीएस में आना, एमआईटीएस में लगाओ कॉमा लगा के, दिस डॉट ऐसे लगा लो, क्या प्रिंट हो जाएगा, देखो ये भी सेव कर दो, देखो आगे लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ पूरा प्रिंट हो जाए पूरा, है ना, तो दिस डॉट प्राइस लिखा है ना, प्राइस है ना, अब इसके बाद प्लस लगाओ, प्राइस के बाद प्लस लगा देना, या हाँ प्राइस इस पे, और इसके फिर लिखो डबल कोट के अंदर, लिखो है डबल कोट में लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसी हेलो नाम ऐसे, हाँ लिख दो ऐसी, अब बगल में आओ, अब डबल कोट के बाहर आओ, प्लस लगाओ, फिर स्पेस दे के थोड़ा 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 स्पेस दे दो, अब हाँ ऐसे थोड़ा है ना, ऐसे वहाँ थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दो, और ऐसी कॉमा लगा वहाँ प्लस लगा लो, तो कॉमा लगा रखा वहाँ प्लस भी लगा लो। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ प्लस, हाँ नहीं अब कॉमा लग गया, एक ही लगाओ, कॉमा लगा प्लस कुछ भी एक लगा लो, है ना। अब वहां पे लिखो दिस डॉट सी सी, दिस डॉट मतलब स्ट्रिंग भी लिख पा रहे हैं साथ में, और उसकी वैल्यू भी लिख पा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको, सब लोग प्लस। अब चेक करो, सेव करो, दिख रहा है आप लोगों को, एंड में थोड़ा डबल कोट में स्पेस दे दो, एंड में, एंड लिखा है डबल कोट के अंदर, उसमें थोड़ा स्पेस दे दो। अब सेव करो, देखो दिख रहा है आप लोगों को। तो इससे क्या हो रहा है कि हम क्लास की प्रॉपर्टी को फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए किसका यूज करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, इसको भी नोट करो। अब इसके बाद एक लास्ट जो मेथड आने वाला है, स्टैटिक मेथड। तो आपने कंस्ट्रक्टर देखा, कंस्ट्रक्टर में भी दिस का यूज कर लो, कंस्ट्रक्टर में थोड़ा लगा देना कॉमा लगा के दिस लास्ट में, तो ये तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, है ना, दिस डॉट नेम, देखो सेव कर लो, नीचे आ जाओ, पर एक काफी है, काफी बहुत है, एक काफी है, एक बस एक काफी है। आप लोग नोट करो इसको, हाँ
कर लिया था ना? कर लिया सबने? यस सर। हाँ चलो अब आओ नीचे। अब देखो आपने देख लिए कंस्ट्रक्टर, देख लिया है ना, मेथड देख लिए, तो ये सारे किस पे डिपेंड है? क्लास के ऑब्जेक्ट पे, है ना? डिपेंड है सारे चीजें। कंस्ट्रक्टर भी किस पे डिपेंड है? क्लास के ऑब्जेक्ट पे। क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा तभी कंस्ट्रक्टर चलेगा, वरना वो भी नहीं चलेगा, ठीक है? और मेथड कॉल करते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट से, है ना? अब एक मेथड आता है स्टैटिक मेथड, उसका क्या रोल है, ठीक है? वो अपन अब देखने वाले हैं और उसी मेथड का अपन यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है? मतलब अपने सी प्लस प्लस पढ़ रहा हूं, है ना, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट क्लास देख लिए, दिस कीवर्ड देख लिया। अब जो हम यूज करने वाले हैं मेथड आगे चल के, वो है स्टैटिक मेथड, ठीक है? देखते हैं उसका क्या खेला है, हम इसी का यूज करेंगे अब। तो लिखो यहां पे स्टैटिक, स्टैटिक और लिखो स्पेस देके आरजीआईटी, आरजीआईटी फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन करली वैकेस। अब लिखो कंसोल डॉट लॉग के अंदर आरजीआईटी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आरजीआईटी, अब देखो बन गया मेथड। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, अब एक काम करना, लाइन नंबर 35 को बंद कर लो, लाइन नंबर 35 को कमेंट कर लो, अब नीचे आओ। अब देखो चला कुछ आउटपुट आ रहा है क्या, कुछ कंस्ट्रक्टर जी कुछ कॉल हो रहे हैं क्या? देखो एक देखो कोई कॉल नहीं हुआ, चलो। अब देखो डेटा डॉट आई टी एम लिखा यहां पे दोनों चीजें, तो कुछ कॉल हुआ, दिख रहा है सबको कुछ कॉल हुआ ना जी? अब देखते हैं, तो 4041 को बंद कर दो, अब देखते हैं, अब देखते हैं कि ये स्टैटिक है ये कॉल होता है कि नहीं होता है, ठीक है? अपन को ये देखना है, ठीक है, कि स्टैटिक है जो ये कॉल होता है कि नहीं होता है डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के, इसका नाम ही रखा है हमने स्टैटिक। तो ये कॉल किससे होगा, जो स्टैटिक मेथड है ये कॉल किससे होगा? ये कॉल होगा क्लास से, जानते हो? सिंपल लिखो यहां पे बजाज डॉट RJIT, बजाज डॉट RJIT, देखो चल गया। तो स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं? उनकी क्लास के नाम से, क्लास क्लास के नाम से। समझ आया? जी सर। बचा ला के देखो उसको, spirit.js, ठीक है,
चलो अब इसके अंदर लिखो सिंपल सा, एक एरे बनाओ, एरे एक एरे बनाना, ए इज इक्वल टू लेट ए लेट, हाँ कॉन्स्टेंट कुछ लिख दो, एरे का साइन लगाओ, 1, 2, 3, 4 है ना। अब नीचे आओ, देखो कॉन्स्टेंट वी कॉन्स्टेंट में लगाओ उसके आगे, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वी इज इक्वल टू ए, वी इज इक्वल टू ए कुछ भी लिख लो, ठीक है। नीचे आओ, कंसोल डॉट लॉक करो, तो बी के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, क्यों सब लोग, वी के अंदर ये ए कॉपी हो जाएगा पूरा। ए जी सर। रन करके दिखाऊं तो फाइल चला के दिखाओ, वो फाइल दूसरी है। ना हो गया कॉपी। अब लाइन नंबर 3 के नीचे आओ, लिखो ए डॉट पुश, ए डॉट पुश, पुश पढ़ा था ना, पुश पुश याद है ना, फंक्शन का साइन लगाओ, लिखो 5, फंक्शन का साइन लगा के लिख दो 5 उसके अंदर, 5 अकेला। हाँ अब सेव करके चेक करो। तो आपको यहां दिख रहा है, सब लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ ये? पुश जानते हो ना क्या होता है, वैल्यू ऐड करते हैं लास्ट में, याद है ना, कॉम वैल्यूएट और कर लेता सर। पुश। यस सर। भूल गए कि जावास की पढ़ाई थी, लास्ट वाली वैल्यू ऐड कर यस रखी है सर। ना। याद है अब सर। बात ही आती है, याद है। अब बात ही आती है कि पहले लाइन नंबर 1 वाला कोड चला, फिर लाइन नंबर 3 चला, फिर 4, फिर 5। अब क्या हुआ, अब मैंने लाइन नंबर 3 पे क्या काम किया था, लाइन नंबर 3 पे मैंने लाइन नंबर 1 की वैल्यू अपडेट ले ली थी, है ना, कॉपी कर ली थी, कर ली नहीं कर ली। लाइन नंबर 3 पे अगर देखी जाए तो क्या हो रहा है, वी के अंदर 1 की वैल्यू कॉपी हो गई। कौन सी वाली वैल्यू, 1, 2, 3, 4 कॉपी हो गई है, हो गई ना, हो गई, हाँ है ना सब लोग। फिर लाइन नंबर 4 पे क्या हुआ, ए के अंदर पुश हो गया, यस हो गया नहीं हो गया। और फिर जब मैंने कंसोल डॉट लॉग बी किया तो उसमें दिखा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, दिखाया दिखा रहा, चलो वो दिखाएगा सही बात है, मगर मैंने पहले सर। कॉपी क्या किया था लाइन नंबर बी में, ये बताओ, लास्ट वैल्यू हमारी क्या थी, एट फोर तक थी सर। जो लास्ट वैल्यू 1, 2, 3, 4 थी ना, जो आप देखो कोड स्टेप बाय स्टेप चलाओ, 1 पे आए, फिर 2 खाली है, 3 पे आए, 3 नंबर पे आए, तो 3 नंबर पे आपने क्या किया, 1 के अंदर जो पढ़ाया आपने बी में रख लिया, तो ए में क्या है अभी, 1, 2, 3, 4, वो आपने बी में रख लिया, ठीक है। तो बी के अंदर अभी क्या आ रहा था, 1, 2, 3, 4 आ रहा है ना, फिर लाइन नंबर कोड 4 पे आया, फिर आपने क्या किया, ए को अपडेट किया, पुश किया ना, ए के अंदर आपने वैल्यू और ऐड कर दी 5, है ना। तो फिर जब मैंने कंसोल किया लाइन नंबर 5 पे तो क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे प्रीवियस वाली वैल्यू चाहिए ना, अपडेट लेटेस्ट नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए क्यों सब लोग, बी में तो मुझे प्रीवियस वाली वैल्यू चाहिए ना, बाद में अपडेट हो रहा है ना वो, है ना, तो बोला करो। यस सर। मगर यहां क्या हो रहा है, यस सर। जब लाइन नंबर 5 पे क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 दिखा रहा है, मुझे प्रीवियस स्टेट चाहिए कि चाहिए, प्रीवियस वैल्यू, उसके बाद अपडेट हो रहा है ना। तो उसके लिए मैं क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, कैसे देखो, अब ए ए ए लिखा है उसको एरे के अंदर रख लो, ए लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 वाला ए इसको एरे के अंदर रख लो, और डॉट डॉट 3 बार डॉट डॉट लगाने होते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है, 3 डॉट नहीं आगे आए, अरे नहीं आगे आएगा, ए के आगे, ए के आगे 3 डॉट लगाओ, ए के आगे पीछे नहीं, 3 डॉट, जिस स्प्रेड ऑपरेटर का साइन होता है। अब चेक करो ना, अब क्या आ रहा है, देखो बी के अंदर, देखो सब लोग क्या आया, ये तो चाहिए था मुझे, स्टार्टिंग वाली सिंपल आप समझो, सिंपल क्वेश्चन समझो मेरा, आपने कोई चीज अपडेट करी है ना, अपडेट कर दी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अपडेट करने से पहले वो वैल्यू क्या थी, आप कहोगे आप सर तो पूरी अपडेट हो गया, मैं क्या पता क्यों,
समझ आया? प्रीवियस वैल्यू क्या थी उसकी भाई, प्रीवियस वैल्यू क्या थी पता ही नहीं है। अभी जब रिएक्ट में काम करोगे, रिएक्ट में जब ई कॉमर्स बनाओगे है ना, जब एड टू कार्ट वाला काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम एड टू कार्ट करते हैं, आपने वन किया फिर टू किया करते हैं ना, तभी तो अपडेट होता है वो, तो प्रीवियस वैल्यू पहले उसको मिलती है ना, तभी तो टू करता है उसको। पास हाँ में जी आया सर, नहीं? ऐसे ही है। आपने एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट करने से पहले मैंने कहा भाई पहले प्रीवियस वैल्यू, इसको बोलते हैं क्लोन करना, क्लोन क्लोन बोलते हैं, क्लोन कॉपी करना। तो मैंने पहले प्रीवियस वैल्यू ले ली, कॉपी कर ली, और फिर उसके बाद मैंने अपडेट किया। कल को कुछ भी अगर होता है तो प्रीवियस वैल्यू तो मेरे पास है ना पूरी, उसमें उसके बाद तुम्हारा अपडेट हो रहा है। अब कंसोल डॉट लॉग करो और लिखो वी, ये लिखना लिख, इसी में लाइन नंबर 6 पे लिखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ए, बस सेव करो। अब देखो यहाँ 5 दिखा रहा होगा, सेव करो, देखो दिख रहा है बी में कितना आ रहा है, 4, और फिर दोबारा अपडेट के बाद ए कितना आ गया, 5 आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तीन डॉट का मतलब क्या होता है, स्प्रे यस ऑपरेटर, सर, क्लोन करना प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करने से पहले। और इसका अभी यूज करोगे जब रिएक्ट पढ़ोगे आप लोग। होता है क्या, देखो मैं बताऊं, मैंने आपको इतना क्यों पढ़ाया, मैं चाहता था सीधा थोड़ा बहुत पढ़ाता, आते प्रोजेक्ट पे काम करा था। फिर आपके संग दिक्कत क्या आती जो हमारे साथ कर...